बीसीसीआई की इंसेंटिव स्कीम पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, बोले देखकर अच्छा लग रहा है। धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को बड़ा उपहार दिया है। जय शाह ने मैच खत्म होने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को मैच फीस के अतिरिक्त भी पैसा मिलेगा। बीसीसीआई और जय शाह द्वारा टेस्ट क्रिकेट को इस तरह की प्राथमिकता देना कप्तान रोहित शर्मा को खूब पसंद आया है। अब मैन का रिएक्शन इस मुद्दे पर वायरल हो रहा है। रोहित शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बीसीसीआई की पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, टेस्ट क्रिकेट असली फॉर्मेट था और रहेगा। बीसीसीआई और जय शाह को टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। बीसीसीआई का ये फैसला खिलाड़ियों का रेड बॉल क्रिकेट के प्रति कम होते इंटरेस्ट को देखने के बाद आया है। पिछले कुछ समय में देखा गया कि खिलाड़ी घरेलू रेड बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो न देकर आईपीएल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने एक बार फिर खिलाड़ियों का इंटरेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के प्रति की कोशिश की है। आपको बता दें, जय शाह ने बताया कि टेस्ट मैच की फीस 15 लाख रुपए है, लेकिन एक सीजन में 75 फीसदी से ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी को 45 लाख रुपए प्रति मैच के हिसाब से मिलेंगे, जबकि टीम का हिस्सा रहने वाले सदस्य को 22 लाख रुपए प्रति मैच मिलेंगे। वहीं 50 फीसदी यानी करीब 5 या 6 मैच सीजन में खेलने वाले खिलाड़ी को 30 लाख रुपए प्रति मैच मिलेंगे। प्लेइंग 11 से बाहर रहने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए प्रति मैच मिलेंगे। वहीं अगर कोई खिलाड़ी 50 फीसदी मैच खेले तो उसे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सिर्फ मैच 15 लाख रुपए प्रति मैच ही मिलेंगे।